मैं कोलकाता से हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं कोलकाता से ही, मतलब वो जो कोलकाता सिटीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के फुटपाथ हैं और जो रास्ते हैं, गलियाँ हैं, वो सब घूम घूम के मैंने देख के सीखा हूँ। अब मैं ज़िंदगी के बारे में इसलिए कहा कि हम मतलब आर्टिस्ट तो हूँ, लेकिन आर्ट क्या है एक्चुअली? इसका कई सारे डेफिनेशंस है, कई सारे फिलोसोफीज है, पर मेरे लिए क्या है आर्ट? मेरे लिए आर्ट ज़िंदगी है, जो मैं जीता हूँ हर पल, हर मोमेंट। तो ये जो हर पल जीने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, जो हर पल जीते हैं हम, वही आर्ट होता है एक्चुअली। ये आर्ट नहीं है, ये उस ज़िंदगी का फसल है। हाँ, इसको आप पेंटिंग्स बोलो, ड्राइंग्स बोलो, क्रिएशंस बोलो, जो भी बोलो, पर ये अकेला आर्ट नहीं हो सकता। तो जब भी मैं ऐसे ज़िंदगी को फॉलो किया, जब भी मैं ऐसे मतलब ऐसे फील किया मैंने, मुझे ये सोच आया मुझ में, तो मैं इतना चमत्कार हो गया कि इसका मतलब है हमको कुछ, कोई है, कोई सुपर पावर है जो हमें सुधारता है, ज़रूरत पे हमें बिगाड़ता भी है। तो मैं ऐसे कोई कई सारे सीरीज़ किया हूँ। तो आप जो ये शोइंग मशीन का जो एक व्हील देख रहे हो, वो एक्चुअली हमारे जो कहते हैं ना हम भाग्य चक्र, या हमारे हमारे नसीब, हमारे जो भी है, एक एक टाइम, एक समय जो घूमता है, हैं, हम घड़ी के हिसाब से घुमाते हैं कि टिक 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 ऐसे। तो एक एक पल बीत रहा है हमारे और हमसे फिसल रहा है। तो हमें चाहिए कि उसको समझे, उसको बाखूबी से फील करे। तो उसके बाद क्या होता है कि वह शोल्डर जैसा है, एक मशीन का पार्ट को मैंने शोल्डर जैसे यूज़ किया, वो बहुत मज़बूत है और उनके चारों तरफ वो जैसे क्या कहते, जो कटन है ना, वो ऐसे इधर उधर किया है, जैसे कि हमारे जो वेन्स होते हैं हाथ में, जैसे वो जिनका शोल्डर है, जिनका हाथ है, उनका ही वेन्स है, हैं, वहीं से उनका खून से हम बनते हैं, उनके ही खून से हम पलते हैं। तो और उसके बाद ये हाथ में जो नूडल है, ये जो ये सिलाई के लिए होता है, ये पुराने दिन अभी भी होता है कि वो मशीन से वो मैनुअली यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है वो जो सुपर पावर है, वो गॉड हो या जो कोई भी हो, वो मैनुअली हमको ट्रीट करते हैं। हमारे जो ये बिल्डिंग जैसे देख रहे हो, ये हमारे सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल जैसा है, एक एक एक, एक मतलब सैंपल जैसा है। तो और आप देखोगे कि यहाँ के स्टिचेस है जैसे फटे हुए हैं, जैसे ये बिल्डिंग मतलब टूटने वाले हैं, बहुत रिस्की से खड़ा हुआ है। हाँ, आप देखोगे अभी के लिए ये एसी मशीन भी है यहाँ पे। हाँ, जैसे हमारे अभी के टाइम को समझाने के लिए मैंने ये यूज़ किया। तो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पेन का जो स्ट्रोक्स, मैंने बॉल पॉइंट पेन से पेन यूज़ किया था, जो स्ट्रोक बहुत, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस क्रॉस ऐसा। तो ये हमारे ज़िंदगी के जैसा है कि बहुत जटिल होता है कभी कभी। तो वो सब मिला के जब एक रूप होता है, मतलब हम सब मिल के जब एक रूप बनाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। तो यही समझाने के लिए मैंने ये किया है। ये खिड़की है, ये स्टिचेस है, ये मतलब सभी के सपने देख रहे हैं। एक अपार्टमेंट में बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, हाँ, तो बहुत सारे फैमिलीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तकलीफ़ें रहते हैं, लेकिन वो अपने अगर उस पर भरोसा करके अपने काम ठीक तरह से करते जाए, तो आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है।